लखनऊ में लोक निर्माण विभाग में मनमाने ढंग से बजट खर्च करने पर 102 एक सीएम को दोषी ठहराया गया। इनमें से 89 इंजीनियरों का एक इंक्रीमेंट रोकने का भी फैसला किया गया, जबकि 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा राशि मनमाने ढंग से दूसरे मद में खर्च करने वाले 7 अभियंताओं को बड़ा दंड देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बस्ती में करोड़ों रुपयों के सड़क घोटाले के खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में कराई गई जांच में ये मामले पकड़ में आए। साल 2017-18 में और 2018-19 में बस्ती में 300 से ज्यादा सड़कों के निर्माण में घपला किया गया। 40 करोड़ रुपयों के इस घपले में जांच अधिकारी ने अधिशासी अभियंता को दोषी ठहरा दिया है, जबकि सहायक और अवर अभियंताओं के खिलाफ जांच अभी जारी है। तो बड़ी कार्रवाई यूपी सरकार की। लखनऊ लोक निर्माण विभाग में जो घोटाला हुआ है, 102 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स घोटाले के दोषी करार दिए हैं। अभी हाल ही में देवरिया बस्ती, यहां पर 300 सड़कों को कागज पर बना हुआ दिखा दिया और उसके एवज में 50 करोड़ रुपए डकार भी लिए गए, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जो जांच हुई उसमें पाया गया कि 2017-18-18-19 इसमें कई इंजीनियरों ने इस तरीके से घपले किए हैं। 89 इंजीनियरों को इंक्रीमेंट जो है उनका वो रोक दिया गया है। इसके अलावा 7 इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गगन मिश्रा हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, ये बताइए, 102 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर घोटाले के दोषी करार, 89 इंजीनियरों का इंक्रीमेंट रोका गया, बहुत बड़ी कार्रवाई, इनके पीछे क्या कुछ आरोप लगे हैं इन इंजीनियर्स पर? देखिए कुलदीप, जब 300 से ज्यादा सड़क का घोटाला होता है बस्ती और देवरिया जिले में, उसके बाद ही पूरा प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग जांचता है और एक नए सिरे से 2015 से लेकर 2018 के बीच की जांच करवाता है। और इस जांच में सामने आता है करीब 102 एसएन ऐसे हैं जिन्होंने अपने मनमाने ढंग के पैसे खर्च किए हैं। जो पॉलिसी थी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की एक पॉलिसी जो होती है, उसके तहत पैसा खर्च नहीं किया, जिसमें 7 ऐसे एक्सचेंज हैं जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक पैसे अपने अपने तरीके से खर्च किए, जिसको लेकर विभाग ने अब लोक सेवा आयोग को एक पत्र भेज दिया है, क्योंकि इन एक्सचेंज की भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है। तो पत्र भेज दिया है, पत्र से करीब 40 जो एक्सचेंज हैं उनके के लिए आयोग ने सहमति भी दे दी है और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन 7 ऐसे एक्सचेंज हैं जिन्होंने 7 करोड़ से अधिक ऐसी अपने मनमाने ढंग से खर्च किया था, उनको लेकर एक बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है विभाग, क्योंकि उनके तहत अगर कार्रवाई होती है, वो जो यूपी सरकारी सेवा 199 के नियम के तहत, 7 नियम के तहत जो कार्रवाई होनी है उसमें बर्खास्तगी तक का प्रावधान है, यानी कि 7 एक्सचेंज बर्खास्त जो हो सकते हैं अगर बड़ा एक्शन लेती है सरकार। बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।